साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल में जारी है गिरावट, सलमान के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज, महिला ने मनाया तलाक का जश्न। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में रविवार को फिर से कटौती हुई। पेट्रोल और डीजल की घटी कीमतों से लोगों को महंगाई से राहत मिली। पेट्रोल और डीजल के भाव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत पूरे देश में तेल कंपनियों ने घटा दिए। दिल्ली में आज पेट्रोल 76.71 रुपए और डीजल 77.56 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमत कम होकर मुंबई में पेट्रोल 82.23 रुपए और डीजल 74.97 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सलमान की अगली फिल्म भारत एक और मुश्किल में उलझी हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि फिल्म वाघा बॉर्डर के सीन को शूट करने के लिए स्थानीय पंचायत की मदद से पूरे एक गांव को ले लिया गया था। स्थानीय किसान और व्यापारियों को सेट बनाए जाने के कारण हुए उनके नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान भी किया गया था, लेकिन फिर एक सीन में भारतीय मिट्टी पर पाकिस्तान के झंडे की आवश्यकता थी और इस तरह विवाद शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक बहुत से स्थानीय लोग इस बात से परेशान थे कि कोई भारतीय मिट्टी पर पाकिस्तान के झंडे को कैसे उठा सकता है। भले ही यह फिल्म शूट के लिए है, परंतु स्थानीय संगठन परेशान है और उन्होंने सलमान के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है। तलाक के वक्त लोग टूट जाते हैं, पर एक महिला ऐसी भी है जिसने अपने तलाक का दुख मनाने के बजाय जश्न मनाया। अपने 14 साल की शादी टूटने के बाद महिला ने अपनी वेडिंग ड्रेस को बम से उड़ा दिया। 83 साल की किम्बर्ली सेंट लेबेन ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक डिवोर्स पार्टी का आयोजन किया, जिसके बाद उन्होंने अपने वेडिंग ड्रेस को बम से उड़ा दिया, जिसकी आवाज लोगों ने लगभग 25 किलोमीटर दूर तक सुनी। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।